एसटी नंबर 1 न्यूज टीवी देख रहे सारे दर्शकों नु प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो पीएसटी नंबर 1 न्यूज टीवी। सो हर साल तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब नु समर्पित दो रोजा गुरमत समागम इत्थे सिंह साहब जथेदार बलजीत सिंह जी दादूवाल वालों सजाए जाते हैं। सो कल 16 तरीक नु लास्ट दवान सी। सो जिदे विच डेरा सिरसा नु छड्ड के तकरीबन 12 तो 13 प्राणियों ने जिहड़े अपने नाम दर्ज कराए सी, पर अज 22 प्राणियों ने जिहड़ा हैगा खंडे बाटे की पौल जिहड़ी लई है। सो अमृत संचार हो रहे हैं 10-15 मिनटा तक पंज प्यारे साहबान दमदमी टकसाल तो सो आए हुए ने, तो बाहर आएंगे संगत सारी। सो 12 प्राणियों ने जो अज खंडे बाटे की पौल प्राप्त की है। दादूवाल साहब भी आए ने जी? अज नहीं, अज सिंह साहब नहीं आए, अज सिंह साहब जी का समागम है बाहर किते। तो दो समागम से उन्होंने 15 ते 16 जनवरी के जो कल लास्ट दवान सीगा। सो अज सिंह साहब जी नहीं आए, अज पंज प्यारे साहबान ही उन्होंने वालों भेजे गए हैं दमदमी टकसाल के। इस तो पहला इत्थे दीवान सजाए गए सीगे, संगतां काफ़ी आईयां सीगियां, किन्ने दिन दीवान चले, किन्नियां संगतां आईयां, किहो जिहा प्रोग्राम रहा जी इत्थे? सो बड़ी चढ़दी कला रही है, इलाके की बहुत ज़्यादा संगत जिहड़ी हैगी है इत्थे आई है। सो जिथे पिंड की संगत सी उत्थे बाहरों इलाके तो, और बुरड़ पिंड तो, दुगाल पिंड तो, हरियाऊ पिंड तो, काफ़ी पिंडां तो, जिहड़ा इलाके दे नाल नाल पिंड ने शहर पात्रां तो काफ़ी संगत इत्थे जिहड़ी हैगी है आई है। सो हर साल जिहड़ा हैगा इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं मनाया जांदा है। अज दे अमृत संचार तो बाद हुण अगला की प्रोग्राम होऊ? संगतां वास्ते लंगर तैयार किए हुए आ कि इस तरह के तैयार? जी जी बिल्कुल, संगतां वास्ते लंगर तैयार ने जी। सो अमृत संचार तो बाद अरदास बेनती तो बाद तो सारे का सन्मान किया जाऊगा। जिहड़े भी परिवार डेरा सिरसा नूं छड्ड के गुरु घर नूं समर्पित होया है खंडे बाटे की पौल लई है, सो उन्हां नूं जिहड़ा हैगा सन्मान किया जाऊगा। सो पंथक सेवा लायर दादू साहब जथेबंदी वालों और अरदास जो सेवा निभा रहे इत्थे गुरद्वारा साहब के मुख्य प्रबंधक होने के नाते, सो सारी मैनेजमेंट वालों उन्हां सारे आंदा सी जो इत्थे 2 दिन 15 ते 16 तरीक नूं बाबा बलजीत सिंह दादू वाले दीवान सीगे धार्मिक दीवान, ते अज इत्थे अमृत संचार हो रहा है। ते असीं इत्थे परसों तो ही फोर्स लाई हुई है क्योंकि इत्थे सामने ग्राउंड का जो डिस्प्यूट चल रहा है तो जिसते 145 CRPC धारा तहत कार्रवाई की गई है, 145 लगी हुई है। तो इस चीज़ में क्योंकि भी कुछ बंदे पिंड चो तो कुछ इधर गुरद्वारा जिहड़े समर्थक ने उन्हां दा पहला पिछे भी कलैश होया सीगा, तो उस नूं ध्यान च रखदे लाड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना आए, असीं इत्थे काफ़ी मात्रा दे विच फोर्स ला के सिक्योरिटी के प्रबंध किए हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई अणसुखावी घटना ना वापरे। दीवाना दे विच थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लाई सी जी, इन्नी चली जा रहा सी जी? नहीं, 2 दिन जो दीवान चल रहे हैं बाबा बलजीत सिंह दादू वाले आते रहे हैं तो असी सिक्योरिटी ज़्यादा लाई हुई सी इत्थे, तो क्योंकि संगत इत्थे काफ़ी ज़्यादा सी, तो इस करके भी किसी तरह का कोई आपां इहो जिहा कोई मौका ना होण दी भी कोई आपस च कोई झगड़ा होवे किसी का, तो स्थिति नूं कंट्रोल च रखने के लिए ही असी फोर्स लगाई सी। तो अज भी असी फोर्स लाई हुई है इस करके क्योंकि अच्छ अमृत संचार हो रहा है, तो कई बार कोई शरारती अंसर कोई गड़बड़ ना करे, इस करके असी अज भी फोर्स लाई। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस।